पुल के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में खड़े हैं भाई। धूपगढ़ बन गया, धूपगढ़ ही है, पचमढ़ी का धूपगढ़। इधर बारिश हुई मम्मा, मौसम खुला होगा इसी कारण से हम इस टाइम पर निकले हैं, पर यार मौसम तो जितना सोचा था उससे भी बदतर मिल गया। चलो ठीक है, अभी सफ़र पर निकले हैं तो सफ़र तो पूरा करना ही है, सफ़र नहीं पूरा करेंगे तो कैसा होएगा। तो यार पूरा दिन भर ऐसा ही मौसम रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, लाइट भी सेम रहती है, ऐसा लगता है भाई क्या टाइम आगे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। हेलमेट के ऊपर बारिश आ रही है बोलते मम्मी, तो बिंद जमा झाले असेल त्यावर। ए तू ग्लव्स घातले ना ग, ग्लव्स घातले ना, काळे वाले घालून घे ना माझे, आहे का वर आहे का कुठे हो। पर लेकिन यार इस मौसम में फ्लाइट या फिर ट्रेन से आना पूरा था, सीधे मुंबई से बैठो अब बनारस फ्लाइट में लैंड करो, ख़त्म बात। वहाँ से टैक्सी पकड़ी या ऑटो टमटम जो कुछ है पकड़ लेने का, घाट पर चले जाने का, टेंशन फ्री, ज़्यादा टेंशन नहीं। तो हम लोगों को एक बार तो कम से कम बनारस बाइक से आना था, क्योंकि मुझे तो पता है कि बारंबार आने ही वाला हूँ बनारस, पर एक बार तो कम से कम बाइक से जाना ही था, बिल्कुल कंफर्म सोच लिया था हम लोगों ने यार जाना है बनारस, जाएंगे बाइक से, क्योंकि बाइक की अपनी मज़ा आता है। और यार ये जर्नी रहती है ज़िंदगी भर याद रहती है, इतनी आसान चीज़ें भी नहीं है ये जितनी लगती है सुनने में या फिर देखने में, सभी लोग नहीं कर पाते, अपनी अपनी चीज़ों की अपनी अपनी मजा है। ऐसा नहीं है कि यार फ्लाइट बुरी है, ट्रेन बुरी है या फिर कार बुरी है, वो अपनी जगह है ये अपनी जगह है, पर यार बाइक के जो मज़ा है ना वो नहीं आएगा। यस, अपना रोड डाइवर्ट हो गया, अभी देखो क्या लिखा है ऊपर। किलोमीटर अपनी मंजिल है, चलो चार घंटा तो लग ही जाएगा यार, गूगल भी चार घंटा बोल ही रहा है, मम्मी भी चार घंटा बोल ही रहे, तो यार चार तो लगने ही वाला है, चार से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि मौसम कुछ अच्छा नहीं है, ज़्यादा स्पीड पकड़ भी नहीं सकते ऐसे मौसम में क्योंकि आगे का दिखता नहीं है। ऊपर से ये देखो लोग, बिल्कुल लाइट तो है ही नहीं यार इन लोगों के गाड़ियों को, पता नहीं क्या जाता है, तो यार बैटरी जाती है, पैसे जाते हैं, लाइट लगाओ तो यार नहीं, आज लाइट लगाए ना तो आज इतने पैसे जाएंगे। ये देखो बिना लाइट की गाड़ी, टेंशन ही नहीं है, ये देखो बिना लाइट की गाड़ी है, इतने फॉग में पता नहीं यार क्या क्या मेंटेलिटी है क्या नहीं है। हाँ पर सभी लोग नहीं है वैसे, बीच में कहाँ पर पेट पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी तो फुल करेंगे पर अपना भी टंकी फुल करना पड़ेगा। बढ़िया है, गरम गरम पकोड़े ठंडी में, और जलेबी लिया और हरी मिर्ची की चटनी है साथ में, और बाजू में चाय भी बन रही तो चाय भी लेंगे, और पकोड़े भी खाएंगे मस्त गरम गरम, और जलेबी खाएंगे, और फिर यहाँ से बाइक पे और निकलेंगे। मैप देखकर स्पष्ट हो ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं सरयू नदी के तट पर बसे कौशल देश की राजधानी अयोध्या। अयोध्या भारतवर्ष के प्राचीनतम शहरों में से एक, जो अनेक वर्ष तक इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। विश्व भर में अनेकों राजा हुए जिनका शासनकाल वक्त के साथ समाप्त हो गया, ज़्यादातर का हमें तो नाम भी पता नहीं, वे सब इतिहास की पन्नों में गुम हो गए। ऐसे बहुत कम राजा हुए जो अब तक हम सब के अंतर्मन में जीवित हैं, जिन्हें हमने राजाओं से बढ़कर माना। इन्हीं में से एक है इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा श्री रामचंद्र, जो राजा से बढ़कर आराध्य बन गए, जिनका जन्म सरयू तट पर बसे अयोध्या में हुआ। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जैन मत के अनुसार यह 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर आदिनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, पांचवे तीर्थंकर सुमिदिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। ये 5 तीर्थंकर और भगवान श्री रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राज परिवार से थे। इस ऐतिहासिक शहर में श्री रामचंद्र जी के साथ देश के नाम का भी जन्म हुआ है, ये हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। अपन भी जानते जी। अरे इधर तो बंद है जी, रुक जाने का, ऐसा नहीं निकलने का, इधर रोक देने का।
अभी बज चुके हैं 12:50 और हम पहुंच चुके हैं अयोध्या में सरयू नदी के तट पर। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।